नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज और एक मिड कैप स्टॉक डिस्कस करने के लिए हम आज एक वीडियो प्रेजेंट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने एक मुंबई बेस्ड कंपनी आपको बताई थी, इस बार भी हम आपको एक मुंबई बेस्ड कंपनी बताएंगे जो फंडामेंटली बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है और जिसका OFS कल खोलने वाला है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन मौका है निवेशकों के लिए ये OFS के लिए भी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ऐसे शेयर मिलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अभी हमारे मिड कैप स्टॉक के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सो लेट अस बिगिन। नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो जहाँ पे हम और एक नया मिड कैप स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने हमारे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि आज हम एक मुंबई बेस्ड कंपनी डिस्कस करेंगे, तो उस कंपनी का नाम है CDSL। ये कंपनी बेसिकली इसका पूरा नाम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, और जैसे सभी जानते हैं कि ये कंपनी बेसिकली डिपॉजिटरी सर्विसेज में है। और इस कंपनी की क्या खासियत है, अगले 2-3 साल में हमको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा वेल्थ क्रिएशन होने का पोटेंशियल रखता है, और ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, इस कंपनी का वैल्यूएशन करंट लेवल पे अट्रैक्टिव है नहीं है, ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा बहुत इस कंपनी का बिजनेस हिस्ट्री और प्रमोटर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो करीबन 1999 में हुई थी, और ये बेसिकली डिपॉजिटरी सर्विसेज सेटअप करने के लिए हुआ था। ये कंपनी का मेन प्रमोटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। पहले BSE इस कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग ओन करते थे और उसके बाद इन्होंने डाइवेस्ट किया। इस कंपनी का मेन बिजनेस दोस्तों बेसिकली डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और ये ज्यादातर अपने जो सर्विसेज है बोथ कॉर्पोरेट्स एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल शब्द में डीमटेरियलाइजेशन का मतलब अगर कोई इन्वेस्टर्स को पता नहीं है तो ये है कि हम हमारे फिजिकल शेयर्स आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तभी हम उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। और आज ऑलमोस्ट 90% के ऊपर जो भी इंडिया में कंपनीज है वो सारे कंपनीज रिटेल से निकल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है। तो जब भी आप कोई ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो तो आपके पास CDSL या NSDL का डिपॉजिटरी फॉर्म भी आपको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपके सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज जो होते हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं। अभी इस कंपनी की पब्लिक इशू 2017 जून में हुई, करीबन 149 रुपीज के IPO प्राइस पे हुई, और उसके बाद कंपनी का शेयर काफी अच्छी तरह से चला। इनफैक्ट ऊपरी लेवल पे 350 रुपये के ऊपर भी गया है। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रेजेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीबन 24% होल्ड करता है, बैंक्स करीबन 42%, FIIs 4%, और बाकी का जो 28-30% है वो बेसिकली पब्लिक होल्ड करती है। करेंटली इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो करीबन 105 करोड़ है। अभी इस कंपनी का हम बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कंपनी के बेसिकली 5 बिजनेसेस है, इनमें से 2 बिजनेसेस बहुत डोमिनेंट है, पहला तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का और दूसरा कॉर्पोरेट्स के लिए, तीसरा बिजनेस जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट रिलेटेड है, फिर चौथा इंश्योरेंस रिलेटेड है और पांचवा अदर सर्विसेज रिलेटेड है। ये सारे छोटे धंधे जो आगे आने वाले 3-5 साल में काफी बड़े होंगे। तो पहले डिपॉजिटरी सर्विसेज और पार्टिसिपेंट्स की बात करें, CDSL एक्चुअली काफी वाइड सर्विसेज डीमटेरियलाइजेशन में प्रोवाइड करता है, जहाँ पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के यूनिट जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीमटेरियलाइजेशन सर्विसेज ये बहुत कॉर्पोरेट एज वेल एज रिटेल सेक्टर को प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, हमने देखा है कि डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज बहुत सेफ रहते हैं। फिजिकल में हमको पता है कि पुराने टाइम के जब शेयर्स हुआ करते थे तभी सिग्नेचर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, काफी फ्रॉड भी होते थे। तो अभी ये एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस मॉडल हो चुका है जहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन सर्विसेज सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसकी सुविधा लेते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनका जो बिजनेस मॉडल में कंपोनेंट है वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को लेके है। ये कॉर्पोरेट्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई नया IPO आता है या एग्जिस्टिंग कंपनी होती है
तो इनके लिए जरूरी होता है कि ये CDSL या NSDL में अपनी फैसिलिटीज ले। और दूसरी बात, जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू अनाउंस करती है, राइट्स इश्यू अनाउंस करती है, या जब कोई कोई कंपनी का मर्जर या एमालगेशन होता है, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पे आपके शेयर्स की जो सम एंट्री होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखना जरूरी होता है। तो ये सब सुविधाएं CDSL प्रोवाइड करता है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में, जैसे मैंने कहा था, ये काफी छोटा धंधा है, लेकिन यहाँ पे ये KYC सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत कॉर्पोरेट एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के लिए। और जो चौथा बिजनेस है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज रिलेटेड। अभी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस आगे चल के बहुत बड़ा होगा, हालांकि अभी इंश्योरेंस बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है काफी इंश्योरेंस कंपनीज पेपर की पॉलिसीज इशू करती है, लेकिन जो ट्रेंड है लास्ट 5 साल में हमने देखा है कि काफी बड़ी पब्लिक सेक्टर यानी LIC एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज देने का काम चालू हुआ है। हमको लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट काफी तेजी से बढ़ेगा। और जैसे जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज की पेनेट्रेशन बढ़ेगी, वो डेफिनेटली इसका रबाव आपको डिपॉजिटरी क्लियर्स पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। अभी अदर सर्विसेज में बेसिकली CDSL ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ई वोटिंग होता है, ई लॉकर है, नेशनल अकेडमी डिपॉजिटरी होता है, फिर टिपिकली किसी को अगर अपना विल बनाना है तो उसके लिए भी इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अवेलेबल है। तो ये सारे सुविधाएं अवेलेबल है, हालांकि ये धंधा बड़ा नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि जैसे जैसे लोगों का डिजिटाइजेशन की तरफ ट्रेंड बढ़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये धंधे आगे जरूर अच्छी तरह से CDSL के लिए भी बढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि बेसिकली CDSL अपना पैसा एक्चुअली कैसा बनाती है। हमने आपको बिजनेसेस तो समझा है ये कौन से बिजनेसेस करती है, लेकिन ये ज्यादातर रेवेन्यू अपने कॉर्पोरेट से और अपने जो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे बेसिकली एनुअल फी लेती है, ट्रांजैक्शन फीस लेती है। और ये हम सब जानते हैं कि जैसे ब्रोकर आपको DP का अकाउंट खुलवाता है, उसके बाद आपको साल का कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसमें से डेफिनेटली कुछ पैसा CDSL को भी जाता है। तो ये बेसिकली सारा जो डिजिटाइजेशन का रिकॉर्ड कीपिंग होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स का, इंश्योरेंस पॉलिसीज का, शेयर्स का, ई वेयरहाउस रिसीट्स का, तो ये सारे सुविधाएं के लिए CDSL साल का एक फी लेती है। और जैसे भी अभी आप शेयर कभी बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसके लिए ट्रांजेक्शन फीस लगती है। अभी CDSL की और एक कंपनी है जिसका नाम है CDSL वेंचर्स, ये बेसिकली SEBI रजिस्टर्ड है और इनका काम UIDAI के है। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का काम गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे आगे चल के बहुत सारा पोटेंशियल है, हालांकि ये बिजनेस अभी फिलहाल इतना रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले 3-5 साल में ये काफी बड़ा पोटेंशियल। अभी दोस्तों हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं। लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो काफी स्टेडी परफॉर्मेंस है। टर्नओवर करीबन 195 करोड़ FY19 में हुआ है, लेकिन अगर इबिटा देखें तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात हमको दिख रही है कि ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। करीबन 55 से 60% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम करती है, इसलिए इस कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो बहुत ही तगड़ा है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छा है, करीबन 114 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने FY19 में रिकॉर्ड किया है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत ही अच्छा है, करीबन 20% के ऊपर ऑलवेज रहा है। आगे चल के हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में ये कम से कम 25-26% होने का पोटेंशियल रखता है। और जिस प्रकार का ये बिजनेस है इसमें ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, तो इसलिए इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और फ्री कैश फ्लोज बहुत ही अच्छे हैं। ये नंबर से काफी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार बढ़ रहे हैं। फ्री कैश फ्लोज हमने देखा है कि FY18 में इन्होंने काफी बड़ा एक्सपांशन किया था, करीबन 70-75 करोड़ की एसेट ऐड की थी, तो उसके लिए शायद इस साल ही इनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है। बट अदरवाइज हम देखेंगे तो इस कंपनी को ज्यादातर इतना ज्यादा एक्सपेंस हर साल लगेगा नहीं, मुश्किल से 4-5 करोड़ का कैपेक्स लगता है, तो ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि इस कंपनी की जो फ्यूचर एक्सपांशन नीड्स भी है वो ज्यादातर अपने इंटरनल प्रॉफिट से ही होगी। और इसका एक प्रूफ तो ये है कि इस कंपनी के पास करीबन 570-580 करोड़ के फ्री कैश अवेलेबल है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि इस कंपनी को आगे अगर एक्सपांशन भी करना है तो इस कंपनी को ज्यादातर कोई बैंक फंडिंग या एक्सटर्नल फंडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी दोस्तों हम इस कंपनी की फर्स्ट
फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि ये भी एक मौका है इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को अच्छी तरह से देखने के लिए। अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें, दैट इज सितंबर क्वार्टर में, तो कंपनी ने 30 करोड़ का बॉटम लाइन मेंटेन किया है, जो पिछले सेकंड क्वार्टर में भी था। फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि 10% की टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, लेकिन इबिटा जो है वो 23% गिरा है। अभी इसका एक मात्र कारण है कि इन्होंने अपने अदर एक्सपेंसेस और जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है वो बहुत तेजी से बढ़े। कंपनी ने कहा है कि आगे सेकंड हाफ में और आने वाले साल में ये एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफी वन ऑफ है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो नेट प्रॉफिट करीबन 57 करोड़ हुआ है। इबिटा मार्जिन भी देखें तो करीबन मेरे ख्याल से 42% हुए हैं, तो आगे डेफिनेटली पोटेंशियल अच्छा है। हालांकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, पर हम समझते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ग्रोथ रनवे के लिए अगर हम देखें तो अगले 3-5 साल में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा बनाने के लिए जगह है। तो होपफुली हमको लग रहा है कि तीसरा और चौथा तिमाही कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर्स काफी स्टेडी हम समझ सकते हैं। हालांकि नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद जरूर थे, और होपफुली हमको लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अच्छा आ सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस हमको क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? पहली बात तो डिपॉजिटरी का जो धंधा है वो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट के लिए एक प्रॉक्सी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो शेयर बाजार है वो अगले 5-10 साल में और भी बड़ा होने का पोटेंशियल रखता है। अगर हम पर कैपिटा डीमैट अकाउंट्स इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम है, और करीबन हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल एसेट्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अभी भी काफी कम है, क्योंकि करीबन 60% के ऊपर अभी भी लोग फिजिकल एसेट्स में पैसा डालते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स में तो अभी भी करीबन सिर्फ 5% ही लोग शेयर बाजार में पैसा डालते हैं, और अगर ग्लोबली हम देखें तो जैसे कि चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी में तो 15 से 40% का पेनिट्रेशन लेवल है, तो हमारे लिए बढ़ने के लिए बहुत बड़ी स्कोप है। दूसरी बात, ये धंधा जो है वो बेसिकली एक डिओपोली है, उसका मतलब सिर्फ दो प्लेयर्स हमारे कंट्री में है, और आगे भी ऐसा ही रहने की अपेक्षा है, क्योंकि ये धंधा बेसिकली अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड है। सीडीएसएल ये प्रमोटेड बीएसई का है, और एनएसडीएल ये एनएससी ने प्रमोट किया है। हमको लग रहा है कि अगर दोनों कंपनीज की बात करें तो एनएसडीएल थोड़ा पहले शुरू हुआ था करीबन 1996 में, और सीडीएसएल 1999 में हुआ था, तो दोनों ही बिजनेसेस को बिजनेस काफी अच्छी तरह से मिलेगा। और यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि सीवियर कंपटीशन नहीं है, और आने वाले दिनों में हमको ये भी नहीं लगता कि कोई 4-5 और डिपॉजिटरीज आएंगे, क्योंकि ये धंधा ग्लोबली भी हमने देखा है कि एक क्लोजली गार्डेड क्लब, ऐसा नहीं कि 5-10 लोग डीमैट अकाउंट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। अभी जो बात हमको सीडीएसएल की पसंद है वो ये है कि सीडीएसएल ने लगातार नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे फोकस किया है, यानी कि रिटेल निवेशकों पे, और इसी कारण है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ देखें तो लास्ट 5-6 साल में 13-14% का सीएजीआर ग्रोथ आया है, और हमको लग रहा है ये एनएसडीएल से काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कॉरपोरेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को छोड़े तो रिटेल सेक्टर का फोकस, अभी इसका कारण क्या है? सीडीएसएल ने ये पर्पसली इसलिए किया है क्योंकि 3-4 फैक्टर है। एक तो ये रिटेल निवेशकों को ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करने की फोकस रखती है, और पहला तो रीजन जो है वो ये है कि इनका जो डीपी रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा इजी किया है। इन्होंने करीबन 10 लाख की जगह पे 5 लाख का एक डिपॉजिट लिया है जो इंटरेस्ट फ्री है, प्लस जहाँ पे ब्रोकर का नेटवर्क होता है वहाँ पे एनएसडीएल का क्राइटेरिया थोड़ा सा और सख्त है, वहाँ पे करीबन 3 करोड़ है, यहाँ पे 2 करोड़ है, तो यहाँ पे छोटे मोटे ब्रोकर भी जो है वो ज्यादातर सीडीएसएल को ही ऑप्ट करते हैं, हालांकि बड़े ब्रोकर भी सीडीएसएल भी ऑप्ट करते हैं। दूसरा, जो सेटअप कॉस्ट है वो एनएसडीएल के मुकाबले में काफी सस्ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सीडीएसएल में आता है उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी काफी कम होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। एनएसडीएल करीबन 4.5 रुपया हर डेबिट ट्रांजेक्शन पे चार्ज करता है, लेकिन सीडीएसएल बेसिकली स्लैब पे स्ट्रक्चर करता है, और यहाँ पे ये चार्जेस करीबन 4.25 से 5.5 रुपया पर होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सीडीएसएल रिटेल निवेशकों को फोकस कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि रिटेल में अभी भी काफी पोटेंशियल है,
और इसलिए हमको लग रहा है कि ये सारे जो बदलाव सीडीएसएल ने किए हैं ये उनके मार्केट शेयर में और बीओ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो है। अभी ये धंधा इसलिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये धंधा बेसिकली एसेट लाइट बिजनेस है और यहाँ पे हम समझते हैं कि इसलिए काफी ज्यादा पैसा कंपनी के पास बचता है। अभी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर हम स्टील कंपनी देखे या कोई एविएशन कंपनी देखे या कोई इंफ्रा कंपनी देखे तो इनको हर साल काफी पैसा वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना होता है। सीडीएसएल का ऐसा नहीं है क्योंकि ये ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है और इसलिए हमको लग रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को जरूर मिलेगा क्योंकि इनके खर्चे सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के बाद, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉस्ट निकालने के बाद, पूरा जो मार्जिन आता है वो काफी दमदार होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कम से कम 55-60% के कामकाजी ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम करते हैं। अभी दूसरी बात क्या है कि इनका ज्यादातर खर्चे फिक्स कॉस्ट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय और टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो होता है वो ज्यादातर 50% होता है अपना रेवेन्यू का, और जो भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है, जो भी एडिशनल रेवेन्यू आता है, उसमें से जो भी पैसा आता है वो सीधा ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कामकाजी मुनाफे में ऐड होता है। तो इसलिए हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में जो कामकाजी मुनाफा का मार्जिन है वो 39% से करीबन 60% हुआ है। तो आगे भी हमको लग रहा है कि पोटेंशियल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काफी सिग्निफिकेंट है और इसलिए ये धंधा हमको लग रहा है आगे निवेशकों को काफी अच्छा रिवॉर्ड देगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी और एक रीजन जो हमको ये स्टॉक काफी अच्छा पसंद है ये इसलिए है क्योंकि इस कंपनी की बैलेंस शीट अगले लास्ट 5 साल में बहुत ही मजबूत है। वर्चुअली इनके पास कोई कर्जा नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार हर साल बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर करीबन 85 करोड़ के ऑपरेटिंग कैश फ्लो थे और बिना कर्जा के इनके पास कोई ऐसे खर्चे नहीं है जिसको इनके ऊपर ये इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं, वो बहुत ही दमदार हुआ है। करीबन FY19 की बात करें तो 597 करोड़ का एक्चुअल कैश कंपनी के पास था और हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। कैश फ्लोज तो वैसे भी मजबूत है और मजबूत रहेंगे, तो बिजनेस मॉडल अच्छा होने के बाद ऑपरेटिंग यू नो कैश फ्लोज तो अच्छे ही है, बॉटम लाइन भी हमको लग रहा है अच्छी तरह से बढ़ेगी। रेवेन्यू पोटेंशियल तो जैसे मैंने कहा था कि ये धंधा ऐसा धंधा है कि जब भी मार्केट तेजी में होते हैं तभी और बढ़ता है, लेकिन जब बाजार स्टेडी भी रहते हैं तभी यू नो डीमैट अकाउंट्स का जो इनफ्लो है वो लगातार हमारे कंट्री में बढ़ेगा और बढ़ने ही वाला है क्योंकि जिस प्रकार का इंटरेस्ट इक्विटी मार्केट में आ रहा है इसका मतलब क्लियर है कि डीमैट प्लेयर्स जो है उनके लिए तो ये यू नो विन विन सिचुएशन है। अभी फाइनली अगर हम थोड़े बहुत की पॉजिटिव्स की बात करें तो वही है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है। इस कंपनी में कोई ऐसा खतरा नहीं है जो निवेशकों को लेना चाहिए या लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसलिए हम समझते हैं कि जो कंपनी है अगर कोई 2-3 साल का नजरिया रखता है तो डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर साबित हो सकता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगले 5-10 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्लस कोई कर्जा नहीं है, तो ये धंधा डेफिनेटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। अभी जो 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमको लग रहा है आने वाले 2-3 साल में होपफुली वॉल्यूम्स अगर बढ़ते हैं अकाउंट यू नो ओपनिंग के डीमैट के लिए तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25-28% भी होने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो कैपेक्स है वो बहुत मॉडरेट है। इनके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मुश्किल से 5-6 करोड़ हर साल इनको कैपेक्स में लगाना पड़ता है, तो उस हिसाब से काफी कैश इनके पास बचती है जो स्टॉक के लिए और कंपनी के बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन नेगेटिव्स की बात करें तो एक ही नेगेटिव है कि अगर शेयर बाजार में कोई बड़ी मंदी आई तो हो सकता है कि इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। हमको तो नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में शेयर बाजार में ऐसी कोई बड़ी मंदी आएगी, हालांकि करेक्शंस आते रहते हैं। दूसरी जो नेगेटिव हो सकती है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, काफी लोगों का मानना है कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो काफी लोगों ने सुनी होगी वो शायद आके डिपॉजिटरी का धंधा थोड़ा सा इम्पैक्ट करे, लेकिन ये अभी इंडिया में आने के लिए काफी समय लग सकता है। हमारे अनुमान से कम 5-10 साल के लिए हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा यू नो टेक्नोलॉजी फैक्टर आएगा क्योंकि अभी भी हम काफी छोटे यू नो प्लेयर है, इक्विटी मार्केट में हमारा पेनेट्रेशन बहुत कम है, तो ये ऐसा नियर टर्म का तो बिल्कुल थ्रेट लग नहीं रहा है। अभी दोस्तों हम फाइनली वैल्यूएशन पर आते हैं। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो सीडीएसएल एक ऐसा नीश प्लेयर है जो बेसिकली एक डिओपॉली इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है जहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर है। यहाँ पे सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही अवेलेबल है और जिस प्रकार का इनका इबिटा ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा है, बैलेंस शीट भी कर्जा मुक्त है, प्लस
बेसिकली 25% का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमको लग रहा है इस बिजनेस में बहुत ही स्ट्रांग पोटेंशियल है और बहुत कम रिस्क है इस बिजनेस मॉडल में। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये धंधा में कोई बड़ी खतरे की बात है, तो इसलिए ये डेफिनेटली वैल्यूएशन के लिए और एड करेगा। हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन का जो मल्टीपल है वो आगे बढ़ने की पोटेंशियल इसलिए रखता है क्योंकि बिजनेस सेफ है, ग्रोइंग है, और सबसे बड़ी बात कंपनी कैश रिच है। करीबन 600 करोड़ की कैश कंपनी के पास अभी भी है जो आगे ये यूज कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, कैपेक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, आने वाले 5 से 10 साल में जिस प्रकार का डिजिटाइजेशन होने वाला है, जिस प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में बढ़ने वाला है, इसका सीधा इम्पैक्ट डिपॉजिटरी प्लेयर्स पे आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि आज काफी पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बहुत कम है। अभी जो करंट परसेंटेज है मुश्किल से 5 या 6% है। आगे हमको लग रहा है कम से कम नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये कम से कम 15 से 16% जाएगा। तो आप यकीन कर सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कैपिटल मार्केट के बिजनेस को और भी तेजी से आगे बढ़ाएगा। अभी हम इस कंपनी की शेयर प्राइस और वैल्यूएशन पे आते हैं। दोस्तों, हमको लग रहा है कि करंटली ये शेयर जो FY19 के अर्निंग्स पे अगर हम देखें तो करीबन 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम फ्यूचर अर्निंग्स की बात करें, हमारा मानना है कि ये कंपनी करीबन 12 रुपए की अर्निंग FY20 के लिए और करीबन 14 रुपए की अर्निंग FY21 के लिए रिकॉर्ड करेगी, और वहां पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। करीबन 1 साल फॉरवर्ड की बात करें तो ये करीबन 16 के PE पे मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है, इबिटा मार्जिन अच्छे हैं, कर्जा मुक्त है, और आगे कम से कम 2-3 साल या 5 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है कि ऐसे बिजनेसेस को मार्केट 25-26 का भी पी देने के लिए तैयार होगी। तो आप यकीन कर सकते हो कि ये लेवल से भी ये स्टॉक बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि आज OFS इस कंपनी का अनाउंस हुआ है। हालांकि OFS छोटा है, काफी रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि सर इसमें शेयर मिलते नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कोशिश करिए, अगर ये शेयर OFS में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 205 में आपको शेयर मिल रहा है रिटेल निवेशकों को। शेयर प्राइस करंटली 225-26 चल रहा है, लेकिन बाजार से भी अगर आप ये खरीदते हैं तो हमको लग रहा है कि अच्छी खासी मोटी कमाई अगले 2-3 साल में आपको मिलेगी, और ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। हमको अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कमेंट पूछना है तो हमारे इस एड्रेस पे यूट्यूब के और जीमेल और ट्विटर पे आप हमको भिजवा सकते हैं। हमको जरूर आपके फीडबैक और कमेंट्स भिजवा दीजिए, और ये वीडियो भी हम लाइक कर दीजिए। हम चाहेंगे कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई और कंपनी सेक्टर है तो आपको जरूर बताइए। हम ऐसे मिड कैप स्टॉक्स अभी रेगुलरली कवर करेंगे ताकि सारे रिटेल निवेशकों को इसका फायदा हो और उसका लाभ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यही ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।